देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। संख बजाकर किया जीत का संखनाद। मध्य प्रदेश में भाजपा ने चौथी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की मौजूदगी में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संख बजाकर किया चुनाव का आगाज। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बस आशीर्वाद यात्रा का आगाज करने के लिए उज्जैन रवाना की गई। भाजपा कार्यालय में विधिवत पूजन पाठ और मंत्रोच्चार के बाद बस को रवाना किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाजा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सांसद अजय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह, विश्वास सारंग, भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। देखा जा रहा है तो एक बस का जो पंजीयन है इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या या तो वेबसाइट पे आधार गलत है या फिर आप पता करिए इसमें कहीं कोई वेबसाइट पे 2014 बता रहा है, अब कहीं कोई गलती नहीं है। इतनी बड़ी यात्रा निकल रही तो क्या ये नहीं करवाएंगे। अच्छा एक चीज और था कि सहकारिता विभाग में जब आपका मंत्री पद पे आप आए थे तो आपने बोला था कि एसआईटी गठित की जाएगी और मैंने जानकारी ठीक है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये उनकी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, लोगों के साथ जो उन्होंने वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ ये यात्रा है और कांग्रेस इस यात्रा का पुरजोर विरोध करेगी। इस यात्रा के पीछे कांग्रेस भी अपनी यात्रा निकालेगी और इनके काले चिट्ठे उजागर करेगी। निकली है उस पर आपको क्या कहना है? देखिए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये बीजेपी की ठग यात्रा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में झूठे वायदे किए हैं, उन झूठे वायदों को और ठगने को हम कांग्रेस पार्टी पीछे पीछे यात्रा निकालेगी और उनकी पोल खोलेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।